भाई बस 2 मिनट वेट करो, थोड़ा सा स्पेस दे दो तो भाई हम लोग फाइनली ना मैं हूँ गाइस स्टार्ट, मतलब हो गया हूँ तैयार। इधर इनको देख लो, ये कर रहे हैं अभी काम दुकान पे। मैं जा रहा हूँ अभी ना फिलहाल मीटअप में जो कि है मुजफ्फरपुर में ऑलमोस्ट 4 बजे से। तो फाइनली ना अभी ये देख लो हो गया हूँ मैं एकदम बिल्कुल तैयार। बाकी अभी चलते हैं हम लोग मोटो ब्लॉग सेटअप पे, चलते हैं वहाँ से फटाफट। पहले तो जाएंगे यहाँ से ताजपुर के होते हुए ना मुजफ्फरपुर जाएंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो 1-1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा, अगर जाम भी होगा तो भी 1.5 घंटा। बाकी मीटअप में आज बहुत लोग आने वाले हैं, तो भाई को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि उन्होंने टैनर लिया अभी फिलहाल में 2 दिन पहले ही। तो अभी चलते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस ना हम निकल गए हैं मुजफ्फरपुर मीटअप के लिए। भाई ने जो बाइक लिया ना उस पर मीटअप रखा है उन्होंने, तो मीटअप है 4 बजे में। तो मैं देखता हूँ अभी ना फ़िलहाल कि हमें कितना टाइम लगेगा, बाकी हमारे साथ में कोई और भी होगा आज साथ चलेगा वो साथ में। तो अभी घर जाके ना सबसे पहले उसको पिक करेंगे एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ और मीटअप की तरफ। देखते हैं कैसा मज़ा आता है नहीं आता है, वो तो आप लोग देखोगे बताओगे कैसे। बाकी भाई बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को कि भाई ने अभी टैनर लिया है। भाई टैनर वो भी बिहार में फर्स्ट है। ये ना इतने कम सब्सक्राइबर जो भी यूट्यूबर है ना, या तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उनके तभी उनके पास है, नहीं तो भाई के पास इकलौता है जो अभी 500 के 5000 के अंदर है एंड अभी ले लिया उन्होंने। तो मैं भाई का चैनल दिखाऊँगा आपको आगे चल के और बताऊँगा कौन है वो भाई, तो वहाँ जाके ही दिखा दूँगा। अभी नहीं, फ़िलहाल वहाँ पहुँचता हूँ फिर मीटअप बताता हूँ किसका है क्या है एंड देखते हैं कितना लोग आता है कितना क्या है सारा चीज़ देखते हैं। बाकी कुछ यूट्यूबर्स भी आने वाले हैं यहाँ पे, तो भाई मज़ा आएगा। अभी चलो आप लोग। तो फाइनली गाइस ना हम अभी निकल गए ताजपुर से एंड ऑलमोस्ट अभी आधा कवर कर लिया हम लोगों ने शायद, तो अभी ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर और बचा हुआ होगा, 35-40 के आसपास। तो फाइनली कितना टाइम लगता है और देखते हैं, बट भाई के मीटअप में जाना एकदम मज़ा आ रहा है भाई, एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कसम से। अभी फाइनली ना गाड़ी ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ ऐसे ही, मतलब बस मन नहीं है भगाने का ज़्यादा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है भाई गाड़ी चलाने में, मज़ा आ रहा है एंड मीटअप करके बहुत बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और ऑलमोस्ट ना अभी हमारा ना अभी फाइनली ना आ गए हम लोग टोल गेट के पास में, और यहाँ से ऑलमोस्ट वही समझ लो 12-15 किलोमीटर के आसपास होगा, 15 से अंदर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 15 से कम ही होगा जो भी होगा। तो फाइनली ना चलते हैं हम लोग एंड वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या सब हुआ है क्या नहीं हुआ है, बाकी इतने लोग आए हैं वो सब भी मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा कि कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं। बाकी उन्होंने बोला था कि कुछ यूट्यूबर लोग भी आ रहे हैं, कुछ बड़े यूट्यूबर लोग भी वहाँ आ रहे हैं मीटअप में, तो देखते हैं क्या मज़ा आता है आता नहीं है पता नहीं। फिर उसके बाद वो सब क्लियर होने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे, कुछ खा पी के वहाँ से निकल जाएंगे हम लोग फिर। लेकिन अभी फ़िलहाल जाके कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि भाई कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो बात समझ में आएगा, कुछ मज़ा आएगा कैसे YouTube पे ग्रो करना है कैसे क्या करना है, क्योंकि ऐसे ही ऑलमोस्ट बैठा रहूँगा तो कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग भी मेरे पास अगर ब्लॉग नहीं आएंगे ना आप लोग को मज़ा आएगा तो फिर आप लोग क्यों देखोगे, मतलब वीडियो देखोगे क्यों। तो कंटेंट लाना ज़रूरी है एंड मज़ा लाएंगे हम लोग एकदम जल्दी जल्दी से एंड ऐसे ही सारे इवेंट वेंट जो भी होंगे हर जगह पे जाया जाएगा एंड मज़ा किया जाएगा। बाकी और देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी तो दिखा तो रहा है 20 मिनट के आसपास, लेकिन उससे कम में भी जा सकते हैं या अगर जाम हो तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है जाम के ऊपर, अगर जाम ना हो तो सही रहेगा। बाकी देख लेते हैं अभी चलते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट समझ लो आ ही गए हैं, ज़्यादा टाइम ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग अभी फ़िलहाल में एंड टाइम भी ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है, तो ये भी एक बात है कि भाई टाइम से पहुंच जाएंगे तो सही रहेगा। राखी व्लॉग 2.0
ठीक है भैया, बाय बाय यार, बाय बाय तो फाइनली यहाँ पे देखना रिएक्शन अगर कुछ लोगों का हो सकता है, वैसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बाकी एक किलोमीटर और बचा हुआ है तो पहुँचते हैं, पहले देखते हैं वहाँ पे होता क्या है लोग। बाकी आप लोग को कैसा लग रहा है ब्लॉग कमेंट करके बताना है एंड सपोर्ट करना है। आप लोग बस सपोर्ट करोगे तो भाई मैं बनाते ही रहूँगा, बिल्कुल लगातार बनाते रहूँगा, तो सपोर्ट करना जितना हो सके उतना सपोर्ट कर दो यार। क्या हो गया भाई, तो यहाँ आप लोग पापा की परियों से बच के सिर्फ चलना, मतलब राइडर कोई भी एनीबॉडी कोई भी हो उनसे बच के जरूर चलना। वो मतलब ब्रेक पता है ना उन लोगों को कहाँ पे रहता है, हाथ में नहीं होता है ब्रेक, वो ब्रेक गाड़ी से नहीं मारते हैं, पैर लगा के ब्रेक लगता है उनका, तो ये बस ध्यान रखना आप लोग, बाकी तो सब सही है। बाकी आप लोग रिएक्शन देखो यार सब लोगों का, ओ भाई यहाँ तो जाम है भाई, ले जाम से निकल लेते हैं उसके बाद। तो फाइनली ना आ गए हम लोग यहाँ पे एंड अभी नगाड़ी लगाते हैं साइड में, उसके बाद देखते हैं वेट करते हैं कब आते हैं वो लोग जिसके साथ जिसका मीटअप है ना वो कब आते हैं वो देखते हैं हम लोग। बाकी अभी ना देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं अभी फिलहाल, तो देखते हैं क्या होता है। और सब बढ़िया, तो अभी चल रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर, देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग। बाकी देख लो हम लोग यहाँ पे बस वेट कर रहे हैं अभी फिलहाल भाई का एंड देखते हैं कितना टाइम में आता है वो, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है तो देखते हैं। और भी बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, बच्चे लोग भी बहुत सारे हैं एंड खास करके ना साइकिल स्टंट वाले भी बहुत सारे हैं, तो अभी ना देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें मतलब उनको आने में। भाई बच्चा लोग भी इतना ज़बरदस्त स्टंट कर रहा है, मैं तो वो आ रहा है मतलब विली मार रहा है इतना ज़बरदस्त साइकिल में, वो भी बाइक नहीं साइकिल में।
खड़ी हो जाए चिल्लाओ बस के अभी ना फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलने का विचार करेंगे कि लेट हो रहा है, हम लोग को बहुत दूर भी जाना है, तो फाइनली भाई से बात नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ है ना, इतना ज्यादा क्राउड है ना, मतलब बहुत ज्यादा क्राउड है, मतलब लोग तो हैं बट बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो इसलिए ना मैं ना कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ से निकलने का प्लान। एंड फाइनली ना गाड़ी तो आपने लोगों ने देखी है, गाड़ी भाई वैसे ही मेरा फेवरेट है ऑल टाइम, तो समझ ही सकते हो। बाकी भाई अभी भी बहुत भीड़ है तो भाई बात नहीं कर पाएंगे, मैं इंस्टाग्राम पे बात करूंगा भाई से अच्छे से एंड उसके बाद देखूंगा क्या होता है, ठीक है आपको बताऊंगा आगे चल के क्या होता है आगे। आप पहले इतना बताओ साइकिल वाले कौन कौन है। लिटरली क्या मस्त पंडाल, मस्त एकदम झकास सब बोल सकते हो इसको। तो फाइनली ना कहीं भटक गए बीच में हम लोग ना मुजफ्फरपुर के बीच में, मतलब एक रास्ता छोड़ दिया था ना तो उसके चक्कर में कहीं और निकल गए हैं। तो फाइनली ना ढूंढ रहे, मैप दिखा रहा है कहाँ कहाँ रास्ता कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है, भाई हालत ख़राब कर रहा है मैप, तो फिर भी चलते हैं क्या कर सकते हैं, और तो कुछ काम नहीं है तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को इधर का नहीं। बाकी ये चेक करो कैसा लग रहा है गाड़ी। तो फाइनली ना अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लगाते हैं क्योंकि गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया है उस रास्ते में। तो फाइनली ना अभी एक ढाबा पे रुके थे, वहाँ पे खाना वाना खाया एंड फुल दो आदमी खाए हैं एंड 200 रुपये का ही बिल आया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बाकी खाना बहुत टेस्टी था, आप लोग भी यहाँ आके खा सकते हो। जगह का नाम देख लो, अब जगह मैं कन्फर्म मुझे अभी तक नहीं है लेकिन आप ये नाम देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप रुकते हो इधर तो आ सकते हो। बाकी इसके सामने पेट्रोल पम्प है तो आप रुक सकते हो आराम से यहाँ पे, अगर इस रूट से आप लोग जा रहे हो तो। बाकी चलते हैं अभी ना, लेट तो वैसे ही हो ही गया है तो चलते हैं हम लोग अभी फिलहाल।
तो फाइनली आने के बाद ना मेरा GoPro और फोन दोनों डाउन हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाया। एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भाई के भी चैनल को जाके सब्सक्राइब करो यार जल्दी से।